हर कोई बिहार को उठाने की बात करता है, वहां जाके रहने को कोई तैयार नहीं। अगर हमारे नुकसान से हजारों लोगों का फायदा हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ये इस्तीफा आगे भेज देता हूँ। एनजीओ का नाम क्या होगा, कुछ सोचा? सोचा तो है एक नाम, अदिति। बीजी बीजी बीजी, देखो ये अखबार में हमारी संस्था के लिए कितना बड़ा लेख छपा है। मेरे को ये बताओ कि इसका उन औरतों को कोई फायदा हो रहा? मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करके विभाग को दे तो दूं, पर मेरे को मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर गणेशा, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, किसी के कुछ करने से पहले तक हम वेट नहीं कर सकते। विजय, ये कैलाश है, आप तो जानती है ना, इन्होंने बनवासी केंद्र के प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत किया है। ये भूसरा गांव से है, मेरे को याद आ गया। दीदी, हमारी कोशिश गांव की महिलाओं को प्रेरित करके उनका एक संगठन बनाने की थी, तो उसमें हम सफल हो गए हैं। उसका हमने नाम रखा है भूसरा महिला विकास समिति। तो हम चाह रहे थे आप एक बार गाँव आती और महिलाओं का हिम्मत बढ़ाती। बोलो कब चलना? जब आप चले, जब भी आपके पास समय हो तो। आज तो अभी लेट हो गए, कल चलते। जी जी बिल्कुल। हमारी बच्ची अभी बोलना भी नहीं सीख पाती है, जब उसको ये समझ में आने लगता है कि हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते, उसकी जरूरत नहीं है, जब वो और बड़ी होती है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि हम उसको उतना प्यार नहीं देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना उसके भाइयों का देते हैं। बाबराज, बंद कराओ ये नौटंकी। हमारी बेटी जब 11 या 12 साल की होती है, मजाक बनाकर रख दिया, तो हम उसकी शादी करके उससे छुटकारा पा लेना चाहते। हमारी औरतन को उल्टा, जबकि अभी उसको ये भी पता नहीं होता कि शादी का मतलब क्या है। हमारे खिलाफ भड़का रहे उनको। शादी किस चीज का नाम है? मजाक बनाकर रख दिया। उस उम्र में वो बच्ची हमारे खिलाफ भड़का रहे उनको। बच्चा पैदा करने की तकलीफ बर्दाश्त करती। बनवारी काय बवाल कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। जबकि उसका शरीर इसके लिए अभी तैयार नहीं होता है। देखो यहाँ पे काम चल रहा है, तुम बवाल मत करो, हम कह रहे हैं। बंद करो ये सब। देखो, अरे हमारी औरतन को, हम अपनी बच्चों को मार रहे, काट रहे। अब इस सब का हल क्या? इस समस्या को कौन सुलझाएगा? ये समस्या को सुलझाने वाला कोई दूसरी दुनिया में नहीं आएगा तुम्हारे पास। इस सब का हल तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा, समझे? चलो, अरे हमारे घर में आए, चलो चलो, काम है तुम्हारा, यही काम है। कहा तुम्हें, कहा तूने? देखो भैया, जान से मारते हैं हम, समझ रहे? काम चल रहा है, फालतू बात नहीं करो, बता रहे थे। अरे हम अपनी औरत पे, हम उन्हें पता नहीं क्या बात। चलो हट, कहा तुम्हें, कहा तूने? देखो भैया, जान से मारते हैं हम, ये काम मजाक बना के रखा है यहाँ पे। अरे हमारी औरतन को उल्टा, तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं हो सकता, ये लोग तुम लोगों को कुछ नहीं करने देंगे। ए माता जी, तुम्हें गाली नहीं दे रहे हम अपनी औरतन को कह रहे हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी औरतन को मार रहे, काट रहे, उन्हें पेट में मार दे, कुछ भी कर दे, तुमसे क्या मतलब? शर्म नहीं आती कैसे बात करते हो? इतने शर्म नहीं आती ऐसे उल्टा सीधा पढ़ाते हुए? हमारी औरतों को जा रहे हो भेजने की, ला पढ़ो। अरे हमको पगला रहे हैं जो तुम पढ़ाए, सारा दिन शराब पी के पढ़त रह। तेरे बाप की पीता हूँ, अपनी कमाई की पीता हूँ, तू काय को रो रही? अरे तुम लोग अपनी औरतों को भेड़ बकरियाँ समझते हो, खुद जानवर हो, इसलिए उनको भी पालतू जानवर बना के रखना चाहते हो। शर्म नहीं आती है, इसी वजह से कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों की वजह से कुछ नहीं हो सकता, कभी कुछ नहीं हो सकता। हम माफी चाहते हैं दीदी,
आज हमारी वजह से आपको ऐसा अजीब अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। अरे अजीब क्या, ऐसी स्थितियों से तो पता चलता है कि ये आदमी लोग अंदर से अपने आप को कितना कमजोर महसूस करते। औरत इतनी सी उठी नहीं कि इनका बांध टूट जाता है। पर अम्मा जी, हम औरतों को इनका सामना करने की हिम्मत करनी ही पड़ेगी। ये कौन है, तुमने इसके बारे में बताया नहीं? ये तो हमारी बुआ है, हमारे पिताजी की बहन। इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है दीदी। हमारे दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे, 13 कट्टा जमीन थी उनकी। पिताजी हमारे अकेले थे और 3 बहनें, जिनमें से एक ये थी। इनकी शादी हुई, इनके साथ बहुत परेशानी हुई दीदी, क्या बताएं। पति छोड़ के भाग गया इनका। तुम खुद बताओ। हम 3 बहना और 1 भाई, हम सबसे छोटी थी। हमारी माँ को कैंसर की बीमारी थी। घर से 5 किलोमीटर दूर हम स्कूल पढ़ने जाते थे। हम पढ़ाई में तब बहुत अच्छे थे। 7वीं क्लास में हमको 1वां डिवीजन मिला था। पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? जी हम मैट्रिक तक पढ़े हैं, प्राइवेट। बाद में टीचर ट्रेनिंग भी करना चाहते थे, मगर घर वालों ने 100 किलोमीटर दूर छपरा में हमार शादी तय की। हम 15 साल के ही थे तब। हमार शादी के बाद पिताजी को पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उनका पहली पत्नी से 3 साल की बेटी भी है। वो अपने भाई के साथ जम्मू में रहती है। उसका भाई पुलिस में काम करता था। हम मिल चुके उसकी पहली पत्नी से, बहुत भली औरत है। तो फिर उसने उसको क्यों छोड़ दिया? वो तो हमार शादी के बाद भी किसी और औरत से मिलने जाता था। अब वो क्यों जाता था, क्या करता था, ये हम सब नहीं जानना चाहते। इस बीच हमारे भी एक लड़की हो गई। कभी मन उदास हो जाता है तो अपने भाई के घर बुसरा में चले जाते हैं। कभी ट्यूशन पढ़ा लेते तो कभी चर्बी काट लेते। बस सब पहुंच के खबर कीजिएगा। हाँ जरूर, तुम अपना काम चालू रखना। जी बिल्कुल, फिर आइएगा। हाँ आएंगे, गॉड ब्लेस यू। जी ये हम आपके वास्ते लाई हैं। अरे ये क्या लेके आई निर्मला? ये हमार बिहार की सुजनी है। इमां कपड़े पे कटवर करके चेन स्टिच की कढ़ाई करते हैं। अयो तू तो एकदम एक्सपर्ट है, बहुत सुंदर है ये। आपको अच्छा लगा, हम आपके वास्ते और बना देंगे। तू ऐसा कर, गांव की कुछ औरतों को इकट्ठा कर और सुजनी के डिजाइन बनाओ। मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। हमरा माफ कर दीजिएगा दीदी, हमारे मर्द ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमें बहुत बुरा लगा। हम भी इस जंजाल से मुक्ति पाना चाहते हैं, हम भी अपनी बिटिया को पढ़ाना चाहते हैं। पर हमारा मर्द है कि हमारी बिटिया के स्कूल छुड़वा दिया और कहते हैं कि घर में पैसा लाए। तू सुजनी का काम जानती है? हाँ जानती तो हूँ, पर निर्मला बुआ जैसे नहीं। निर्मला अगर डिजाइन बनाए तो तू कॉपी कर सकती है? हाँ कॉपी कर सकती हूँ। निर्मला तुम ऐसा करो, शांति जैसी और औरतों को इकट्ठा करो और इनको सुजनी की ट्रेनिंग दो। तुम डिजाइन बनाएगी, ये सब उसको उतार लेंगी। पर बीजी, सुजनी का वास्ते किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, गांव की सारी औरतें सुजनी जानती हैं। अयो ये तो और भी अच्छी बात है, ये सुजनी के काम से पैसा मिलेगा और गांव की शांति जैसी औरतें अपनी लड़की को स्कूल भेज सकेगी। पर हम इका बेचने वास्ते कहां जाएंगे? अरे वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कर लेगी। चलती है। चलिए।
मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसी के हाथ में ताकत होती है। हमारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए पैसा कमाने वाली या इनकम जनरेटिंग स्कीम्स पैदा करें। जब से आप फोर्ड फाउंडेशन में काम कर रही हैं, यही तो कर रही हैं आप है? भारत की आर्थिकता के दायरे में महिलाओं की भूमिका, खास खास आर्थिक सेक्टरों में उनके लिए फंड इकट्ठा करना, उनको मदद करना, खेती में, मछली पालन में, डेयरी में, खाद्य और ग्राम उद्योग में, और यहाँ तक के दस्तकारी में, हर क्षेत्र में आपने मदद किया है, उनको प्रेरित किया है, अरे उन्हें काम दिलवाया है। गणेश, पैसा कमाने के लिए रवायती कलाओं से ज्यादा और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? तुमको याद है जब मैं झारखंड की आदिवासी औरतों के कटवा का काम किए हुए कपड़े लेके गई थी और उसको दिल्ली के काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में भेजा था। अभी वो कह रहे हैं कि और भेज दो, जितना भेज सकती हो भेज दो। मेरे को लगता है गणेश कि ये मौका इन आदिवासी औरतों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशहाली लेके आएगा, उनकी तकदीर बदल देगा। मेरे को तो ये भी लगता है कि ये सुजनी का काम निर्मला के गांव की महिलाओं को एक नई जिंदगी देगा, उस छोटे से बुसरा गांव में एक नई खुशहाली लेके आएगा। इट कैन बी बेटर, वी कैन ट्राई सम अदर कॉम्बिनेशंस, लाइक हियर इज ब्लू, वी कैन यूज रेड हियर, ओके? विजय काम, अमित। यस मैम। अमित जरा देखा तो, क्या पहले तुमने कभी इस टाइप के वर्क को देखा है? मैम ये यूपी, आई थिंक बिहार का फोक आर्ट है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सुजनी है, सुजनी। Exactly, सुजनी। इसके बारे में पूरा चैप्टर था। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस आर्ट को हम अपने कलेक्शन में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? लेट्स सी। व्हिच वी एक्सक्लूसिव लेडीज गारमेंट्स के लिए, टॉप्स के लिए, वॉल हैंगिंग, ये दोनों। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? या वी कैन। यस। बट आई थिंक इसके लिए हमें इन आर्टिस्ट से संपर्क बनाए रखना होगा। आई मीन उनके साथ हमारा तालमेल होना बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे आप वो झारखंड की आदिवासी महिलाओं के एप्लिक वर्क के बारे में बताओ। तुम्हें याद है पिछली बार मैंने तुम्हें सैंपल्स लाने के लिए कहा था, लाई हो? मेरे को मालूम नहीं तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, पर मैं कुछ सैंपल्स लेके आई हूँ। ये मेरे को लगता है कि तुम्हारे काम के होंगे। देखो, तुम्हारे लिए ये बिजनेस हो सकता है, पर मेरे लिए ये दो काम इकट्ठे हैं, एक तो फोक आर्ट और हैंडीक्राफ्ट्स का प्रमोशन, और दूसरा गांव की गरीब औरतों की सहायता, हेल्प। विजी, अगर तुम्हें इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, फिर फंड्स की क्या जरूरत है? फ्रेड, गांव के इन गरीब लोगों को माल इकट्ठा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, और कोई भी बिजनेसमैन इनको पैसा देने को तैयार नहीं होता है। इनको आसान किस्तों पे लोन की जरूरत है, जिनको ये धीरे धीरे करके उतार सके। लेकिन इनको लोन देना भी बहुत रिस्की है विजी। 100% रिस्की है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। लेकिन हम किन के पास जाए जो मान जाए, मैं जरा सोचता हूँ। हाँ सोचो, मैं चलती हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं सोचोगी क्या? ये काम मैं आपको सौंप चुकी हूँ, मेरे को और भी बहुत काम है। जैसे? जैसे मतलब मेरे को कुछ पक्षियों को ये समझाना है, उनको एहसास दिलाना है कि उनके पास पंख हैं
और वो उड़ सकते हैं। पंख हैं और वाह विजी वाह। पर हम दिल्ली अकेले कैसे जा सकते हैं? पर अब और कोनो रास्ता भी तो नहीं है ना बुआ, न जाइएगा तो बीजी दी गुस्सा हो जाएगी। अरे वो आपकी खातिर इतना कुछ करती है और आप एक छोटा सा बात पे दिल छोड़ रही हो बुआ। तुम पगला गए हो का? हम अकेले कभी बाहर गई हैं? मार्केटिंग की ट्रेनिंग के लिए बीजी दीदी खुद हमें पटना लिवा गई थी, और ट्रेन में दिल्ली तो 2 दिन का रास्ता है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना जाइएगा, इस सुजुनी का काम छोड़ दीजिएगा और भाई की चाकरी कीजिएगा। ए बबुआ तू चलना हमरे साथ। अरे बुआ हम कैसे जा सकते हैं आपके साथ? आपको मालूम है एनजीओ का कितना सारा काम हमको करना है, गणेश जी तो सारा काम हमारा ही सर पे देके गए हैं, और आपका एक छोटा सा काम की खातिर कौन अपना वक्त खोटा करेगा बोलिए। ये तो तू बराबर कहता। हाँ अरे ये तो इस संस्था का पैसा है, इसका पैसा उस आदमी का टिकट खातिर काहे बर्बाद करेंगे बोलिए, इसका वहाँ जरूरत ही नहीं है। आपको बीजी दी कितनी बार बुलाई है दिल्ली, है ना? हमने बीजी दी से बोला है कि आप जब जाएंगी तो आपको ये स्टेशन पे लेवाने आएंगी, वो तो कोई परेशानी है इसमें बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आप जहाँ बीजी दी के साथ रुकेंगी उस जगह का नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम? कुछ नहीं मालूम। उस जगह का नाम है शक्ति शालिनी सेंटर। क्या नाम है? शक्ति शालिनी सेंटर। बिल्कुल, तो शक्ति शालिनी सेंटर जाइए, थोड़ा शक्ति दिखाइए और जाइए। पर पक्का बीजी दीदी लेने आवेगी ना? पक्का पक्का आवेगी, हमने बोल दिया है उनको। दरवाजा खुला है, आ जाओ। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुआ? चरनी ठीक था? अरे क्या हुआ निर्मला, रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ, किसी से कोई झगड़ा हुआ क्या? आपसे बात नहीं करेंगे और ना ही आपकी किसी बात का यकीन करेंगे। चुप चुप, अरे रो मत बाबा। अच्छा नहीं आई तो कोई बात नहीं, चुप करना बाबा। अरे चुप कर चुप कर, अरे चुप कर। रो के क्या बताना चाहती है मेरे को? मैं कितने दिन से तुमको मैसेज भेजती रही दिल्ली आने को, तुम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे वास्ते कितनी एम्बिशियस हूं। मैंने कभी अपने लिए कोई सपना नहीं देखा, पर तुम लोगों के लिए हर रोज सपना देखा। तुम लोग अपने घर की दीवार से बाहर नहीं निकलना चाहते। अरे घर से बाहर नहीं निकलेगा तो जिंदगी का पता कैसे चलेगा, समझ में कैसे आएगा? मैं कब तक तुम्हारा सामान खरीद के बेचती रहेगी, कब तक तुम्हारे साथ चलती रहेगी? वो संताली औरतों को देख, कल तक वो घर के बाहर के आदमी से बात नहीं करती, आज वो अंग्रेजी बोलना सीख रही। मालूम क्यों? क्योंकि मैं उनको विदेश में एग्जीबिशन में शामिल होने को भेज रही है। एग्जीबिशन माने उनके सामान की प्रदर्शनी लगेगी उधर, उनका सामान बेचेंगे, उनका माल बिकेगा। तुम्हारी जैसी बहुत सारी औरतें वहां पे शामिल होने को आएंगी, पर उनको कोई लेने या छोड़ने नहीं जाएगा। पर तुम हो कि अपने देश में अकेले चलना नहीं सीख सकती, ट्रेन में सफर नहीं करना।
मैं जानबूझ के तुमको स्टेशन पे लेने को नहीं गए। तुम समझती क्यों नहीं है? तुम्हारी वीजी पूरी जिंदगी तुम लोगों के साथ नहीं चलेगा। तुमको अकेले जीना सीखना पड़ेगा। जाओ, आप जल्दी से नहा लो, तैयार हो जाओ, हमको देरी हो रही है, हमको मीटिंग में पहुंचना है। चल। पर हमको बहुत जोर से भूख लगी है। अब इस टाइम पे इधर कहानी को कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग टाइम पे कहानी को देते हैं। अभी रास्ते में कुछ खाएंगे, जल्दी से चलो, अपनी डिजाइन लेके जाना मत भूलना। वो लोग तुम्हारा डिजाइन देखने को तुमको बुलाया, तुम्हारा ये दो बड़ा देखने को नहीं। चल। अलविका, पसंद आया कि हमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया? यू नो विजी, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे सबसे फेवरेट टीचर अक्सर ये कहा करते थे कि काश मुझसे कोई मेरा वो सब कुछ लूट ले जो मुझे मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग ने दिया था, और बदले में मुझे मेरी मासूमियत लौटा दे। आज मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कहते थे। उनके शब्दों का मतलब आज मेरी समझ में आया। एनीवेज विजी, हमने तो इन्हें यहां इसलिए बुलाया था कि हम इन्हें कुछ समझा सके, कुछ बता सके, बट अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो इन्हीं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। ऐसा क्या? रिलैक्स, आराम से। अभी तुमको बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, पर हमको बहुत भूख लगी है। आप तो कहते रहे कि रास्ते में कुछ खावेंगे, पर आप भूल गए। यस, बोला तो था। बाय द वे, हमने भी कुछ नहीं खाया है। अरे विजी दीदी, आप तो इतना कम खावे हैं कि आप खाए या ना खाए एक बराबर, पर हमका तो बहुत खाने की आदत है। तुम्हारा सारा भूख उड़ जाएगा जब मैं तुमको ये बताएगी कि तुमको कितना ऑर्डर मिला है। कितना? उनका सारा ऑर्डर पूरा करने के लिए तुमको 1,000 औरतों को रखना पड़ेगा। पहले से बहुत हमारा स्थिति खराब थी। हम ऐसे ट्यूशन करते थे या चरखा काटते थे, कुछ भी अपना जीवन के लिए। बीजी से जब मिले और बीजी अपने साथ हमको रखने लगी, तो बीजी के मिलने से ही हमारे जिंदगी के बदलाव आया। बीजी ना होती तो शायद
हम तो कहीं का ना।